हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो पर मैंने बनाया ब्लूटूथ स्पीकर और फ्रेंड्स इसे मैंने माउंटेन ड्यू का कैन से बनाया है। आप कोका कोला या फिर स्प्राइट का कैन से भी बना सकते हो और फ्रेंड्स इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है। इसे कैसे बनाते हैं इसका पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो पर दिखाया है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स मैं माउंटेन ड्यू का कैन ले रहा हूँ, आप जो कोई भी कैन यहाँ पे यूज कर सकते हो। इस कैन का जो ऊपर साइड है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हो मैंने इसको कटिंग कर लिया और फ्रेंड्स आप इसे ध्यान से कटिंग करना, ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है तो आपके हाथ काट सकता है। इसके पीछे के साइड पे हम कटिंग कर लेंगे कुछ इस प्रकार से और फ्रेंड्स ये स्विच के लिए है और इधर भी हम एक होल कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये दोनों हमने होल कर दिया, तो यह रहा हमारा स्विच और यह रहा हमारा चार्जिंग कनेक्टर। इस दोनों को हम इधर सेट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए पैम 8403 ऑडियो मॉड्यूल किट और फ्रेंड्स ये आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर इजीली मिल जाएगा। इस मॉड्यूल पे सारा कुछ प्रिंटेड है तो आप इसे देखकर भी इसका कनेक्शन कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए एक ब्लूटूथ मॉड्यूल किट और फ्रेंड्स इसका कनेक्शन बहुत इजी है, इसमें सारा कुछ प्रिंटेड है। इधर है लेफ्ट ग्राउंड और राइट और 5 वोल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव। और फ्रेंड्स इसका कनेक्शन और पैम 8403 को हम एक साथ में कनेक्शन करेंगे। तो लेफ्ट राइट और ग्राउंड का कनेक्शन को हम छोटा छोटा वायर देख के इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसको हम ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ब्लूटूथ मॉड्यूल का नेगेटिव को और पैम 8403 का नेगेटिव को एक साथ में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद पॉजिटिव वायर्स को भी कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक 3 वॉट का स्पीकर। मैं इधर जितना भी कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स हम स्पीकर को मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स मॉड्यूल पे स्पीकर का कनेक्शन दिया है, उधर हम स्पीकर के वायर्स को सोल्डिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स स्पीकर का कनेक्शन आपको कुछ इस प्रकार से करना है। उसके बाद हमें चाहिए बैटरी, तो मैं इधर 2 लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रहा हूँ और दोनों बैटरी को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए TP4056 मॉड्यूल और फ्रेंड्स इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस सर्किट में हमें बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन दिया है, तो आप भी इजीली देख कर इसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इसका कनेक्शन। उसके बाद मॉड्यूल के इनपुट के नेगेटिव वायर को TP4056 मॉड्यूल के आउटपुट के नेगेटिव पिन में सोल्डिंग करेंगे। उसके बाद एक वायर लेंगे और आउटपुट के पॉजिटिव जो वायर से उस पर सोल्डिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा स्विच का कनेक्शन और फ्रेंड्स ये रहा इसका सर्किट डायग्राम, आप इसे देखकर भी इसका कनेक्शन कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स चार्जिंग कनेक्टर्स के वायर के साथ थोड़ा सा और वायर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इस वायर्स को अंदर के साइड पे ले जाएंगे और इसे कैन के साथ कुछ इस प्रकार से फिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस कनेक्टर का वायर को हम मॉड्यूल पे कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव वायर्स को पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव में। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कुछ इस प्रकार का था इसका कनेक्शन। उसके बाद हम एक पीवीसी पाइप का सीड लेंगे। इन तीनों सर्किट को हम पीवीसी पाइप के ऊपर कुछ इस प्रकार से फिक्स करेंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स इस सर्किट को थोड़ा सा टेप से कवर कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसे हम कैन के अंदर फिक्स कर देंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फ्रेंड्स हम स्पीकर को कैन के साथ फिक्स करेंगे। इसे फिक्स करने के लिए मैं ग्लू गन का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स हम स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो इस दोनों वायर्स को हम स्विच का दोनों पिन में सोल्डरिंग कर देंगे। अभी फ्रेंड्स हम स्विच को कैन के साथ फिक्स करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसके पीछे के साइड पे एक होल करेंगे। तो मैं एक पाइप का पीस ले रहा हूँ छोटा सा। इस पाइप को हम होल के अंदर फिक्स करेंगे कुछ इस प्रकार से। इसे फिक्स करने के लिए मैं ग्लू गन का यूज करूंगा। इस पाइप को मैंने लगाया स्पीकर की बेस को निकालने के लिए। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा ब्लूटूथ स्पीकर बन गया है और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज का है। तो चलिए इसे चार्ज कर लेते हैं। मैं एक स्मार्टफोन का चार्जर यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हो चार्जिंग हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी इसको हम टेस्टिंग करेंगे। तो मैंने स्विच को ऑन कर दिया। तो चलिए अभी हम मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कनेक्ट हो गया है। तो चलिए एक म्यूजिक प्ले करके देखते हैं। मेकिंग प्रोसेस आप लोगों को अच्छे से दिखाने की कोशिश किया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों को ऐसे ही यूजफुल वीडियो मिलती रहेगी। तो चले फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।